Dear students, so in previous video I explained you about the main components of computer cabinet that are processor, motherboard, hard disk drive, power supply. Now today I am going to continue the same chapter with the new topic input devices and output devices. Okay, so here I am going to read for you input devices. Let us know some of the modern input devices. Here you know it very well कि input devices में क्या क्या आते हैं. आपको general सबको पता होता है कि input devices क्या क्या हैं. आप लोग जैसे बोलते हो keyboard, mouse, तो ये क्या होते हैं, आपके input device होते हैं जिसके through आप instructions देते हैं और वो computer आपका process करता है, right? तो अभी यहाँ पर हम modern इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट वन इज़ ड्राइंग टैबलेट. ओके, अ ग्राफिक्स टैबलेट और डिजिटाइजर इज़ अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट इनेबल्स अ यूज़र टू हैंड ड्रॉ इमेजेस एंड ग्राफिक्स इन द सिमिलर वे एज अ पर्सन ड्रॉज इमेजेस विद अ पेंसिल एंड पेपर. These tablets may also be used to capture data or handwritten signatures. It can also be used to trace an image from a piece of paper which is tabbed or otherwise secured to the surface. Means drawing tablet, you can see here in this picture that there is a tablet. Okay, usme jaise ek aap पेपर और पेन यूज़ करते हो, सेम वैसे ही आपका ये एक डिजिटाइज़र है. ओके, और साथ में आपको एक पेन दिख रहा है. तो क्या है ये कि जैसे हम पेन और पेपर यूज़ करके ड्राइंग करते हैं, सेम वैसे ही इस पे भी हम इमेजेस को ड्रॉ कर सकते हैं हैंड से. ओके, और ग्राफिक्स कर सकते हैं इन द सिमिलर वे जैसे पेन और पेंसिल से. पेंसिल और पेपर आप यूज़ करते हो, ड्राइंग कैसे बनाते हो गए आप लोग, पेंसिल से ही बनाते हो, कलरफुल पेंसिल यूज़ करते हैं, पेपर पे राइट ड्रॉ करते हो, सेम वैसे ही इसमें भी एक पेन दिया हुआ है, उसको यूज़ करके हम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, इसमें और क्या करता है ये, डेटा को कैप्चर करता है और हैंड रिटन जो सिग्नेचर होती है उसे भी ये स्कैन कर सकता है, कैप्चर कर सकता है. ओके, और जो पेपर पे अगर कोई चीज़ है जैसे इमेजेस बनी हुई है उसे भी ये कैप्चर कर सकता है ईजिली. ओके, नेक्स्ट इज़ टच स्क्रीन. सो टच स्क्रीन से ही आपके माइंड में आता होगा कि टच स्क्रीन मीन्स हमारा जो स्मार्टफोन है उसमें हम टच करके ही अपना इनपुट से इनपुट देते हैं, राइट? तो यू आर राइट देन. ओके, लेट्स रीड. A touch screen is a computer display screen that is also an input device. The screens are sensitive to pressure. A user interacts with the computer by touching pictures or words on the screen. Touch screens are commonly used in ATMs and tablets, PC. Okay, it is very clear. कि टच स्क्रीन क्या है, जैसे हमारा फ़ोन है हम उस पर टच करते हैं, कोई भी कैरेक्टर टच करें या फिर कोई इमेज टच करें वो ओपन हो जाता है. तो कैसे ओपन हुआ, जब मैंने टच किया मेरे जो फिंगर है उससे सेंस किया, प्रेशर पड़ा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो गया, ये इमेज है वो ओपन हो गया, राइट? तो ये आपने क्या किया, इनपुट किया, राइट? तो आपने जब इनपुट किया है तो फिर इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल हैं एटीएम. ठीक, एटीएम में आप जाते होगे तो वहाँ पे देखते होगे कि एक कंप्यूटर है, उस पर टच स्क्रीन के थ्रू ही सारे काम हो रहे हैं, वो इनपुट दे रहा है, राइट? आप टच करते हो उसमें नंबर्स वगैरह तो वो वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग. ओके, नेक्स्ट इज़ MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. Here it is, magnetic ink character recognition or MICR is an input device which is primarily used by banking industry to facilitate the processing and clearance of checks and other documents. It is located at the bottom of a check. Magnetic
इंक कैरेक्टर रिकग्निशन मीन्स ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो ज़्यादातर आपको बैंक में ही देखने को मिलेंगे, बैंकिंग सेक्टर में ही ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपने चेक देखा होगा, चेक में एकदम आपका कॉर्नर पे बॉटम के जो बॉटम में होता है, ठीक है, बॉटम पे एक चेक के बॉटम पे लाइनिंग लाइनिंग बनी होती है, तो ये उससे क्या होता है, उससे रिकग्निशन के लिए, कैरेक्टर रिकग्निशन के लिए ये वहाँ पे अपना एक छाप छोड़ता है, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन उसे बोलते हैं हम। नेक्स्ट, सो हियर इनपुट डिवाइसेस, दीज आर द इनपुट डिवाइसेस, नाउ आउटपुट डिवाइसेस। ओके, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? एन आउटपुट डिवाइस इज़ यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग कैरी आउट बाई CPU ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन इनटू हार्ड कॉपी। मीन्स जो भी आपने इनपुट्स के थ्रू अपना इंस्ट्रक्शन दिया वो प्रोसेस होकर एक आउटपुट में निकल कर आता है, मीन्स आपका रिजल्ट आपको मिलता है हार्ड कॉपी के थ्रू, राइट? तो हियर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, हियर यू कैन सी अ पिक्चर, ओके, आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग और इम्पैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटिंग इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटिंग विच यूजेज अ प्रिंट हेड दैट रन्स बैक एंड फोर्थ और इन एंड अप एंड डाउन मोशन ऑन द पेज एंड प्रिंट्स बाय इम्पैक्ट striking an ink soaked cloth ribbon against the paper similar to the print mechanism on a typewriter. So it is a kind of impact printer. ये एक तरह का impact printer है जिसमें एक आपका print head होता है, okay, जो run करता है आपका, जो run करता है up and down और back and forth, जिसके मोशन की वजह से एक स्ट्राइक होता है, ओके, रिबन क्लोथ्स होते हैं जिसमें इंक पूरा सोक किया होता है, ठीक है, उस पर जब ये स्ट्राइक करता है देन आपका जो है प्रिंट निकल कर आता है कैरेक्टर्स के, ओके, जैसे टाइपराइटर में स्ट्राइक करने पे प्रिंट होता है। नाउ इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटिंग इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर printing that creates a digital image by propelling droplets of ink onto paper. Inkjet printers are the most commonly used type of printer and range from small inexpensive consumer models to very large and expensive professional machines. Inkjet printer वो printer है जो कि एक डिजिटल इमेज के थ्रू होता है, ठीक है, इसमें क्या है कि इंक जो होते हैं, इंक के बॉटल्स रखे हुए रहते हैं, ओके, जो इंक के बॉटल्स होते हैं उसमें से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है, उस ड्रॉपलेट्स में के थ्रू इसमें टाइप कैरेक्टर्स जो टेक्स्ट के कैरेक्टर हैं वो प्रिंट होते हैं, ओके, और ये जो है प्रिंटर आपका मोस्टली ऑफिस या फिर आपको घरों में देखने को मिलेगा, बिकॉज़ ये जो है प्रिंट करता है तो उस एक तरह से एक्सपेंसिव भी है, ओके, और इसमें आपको इनएक्सपेंसिव में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपेंसिव ही है, इसमें आप जैसे 3 से 4 अगर प्रिंट निकालने हैं, पेजेस निकालने हैं, तो ये अच्छा है, रीज़नेबल है उसके लिए, ओके। Now laser printer, it is a type of printer that utilizes a laser beam to produce an image on a drum. The lights of the laser alters the electrical charge on the drum wherever it hits. The drum is then rolled through a reservoir of toner which is picked up by the charged portion of the drum. Finally, the toner it is transferred to the paper through a combination of heat and pressure. This is also the way of copy machines work. Laser printer actually बहुत ये एक तरह से expensive होता है, okay? ये वहाँ पर use करते हैं laser printer को जहाँ पर आपको bulk में निकालना होता है prints, जैसे 60, 70, 80, 100, 200 pages निकालने होते हैं जब,
तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। और ये बहुत, इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, टेक्स्ट की जो कैरेक्टर प्रिंट होती है उसकी। इंकजेट में भी आपका जो कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं वो भी क्वालिटी वाले होते हैं, लेकिन डॉट मैट्रिक्स में नहीं होते। ओके, उसमें उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बट इंकजेट और लेज़र में अच्छी होती है। बट यही है कि इंकजेट वाला अगर यूज़ कर रहे हो आप, तो वो आप घर के लिए यूज़ कर सकते हो, और लेज़र वाला जो है आप जहाँ पे आपको 60-70 या उससे ज़्यादा आपको प्रिंट करना होता है एक साथ, तो उसके लिए लेज़र प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये एक लेज़र बीम निकलता है जिसके थ्रू आप एक इमेज बनाता है, एक ड्रम जैसा रहता है उसके ऊपर, ठीक है, उसी के थ्रू इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। ओके, तो वो जो ड्रम होता है वो रोल करता है, ठीक है, फिर उससे आपका जो टेक्स्ट होता है वो प्रिंट होकर निकल कर आता है। इसमें क्या होता है, एक हीट और प्रेशर की वजह से प्रिंट आता है। ओके, तो हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस टॉपिक। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, टिल देन थैंक यू।